Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. Sindhya ji, बहुत सारे वोटों से जीतेंगे और मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, जैसे धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, पब्लिक एक तरफा वोट दे रही है। क्या कह रहा है, हमें कोटी मिलना चाहिए। की बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार। गुना लोकसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी चुनावी यात्रा जो है वो गुना की किसान मंडी में आ चुकी है, जहां पर हमें किसान और व्यापारी वर्ग दोनों के ही लोग मिल गए हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो दिल्ली से मध्य प्रदेश तक अगर कोई मुद्दा बना हुआ है तो वो किसानों का बना हुआ था। यहाँ के किसानों से जानते हैं कि वो किस बारे में क्या सोचते हैं। आपसे शुरू करें, आप किसान हैं? हाँ। क्या मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है शिवपुरी में? क्या जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में किसानों का काफ़ी नाराज थे, प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ के किसान क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा किसी प्रकार की हमको कोई समस्या नहीं है, ना जी भाव से बिक रहा है। अच्छा। हाँ, मुझे कोई प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार से खुश है? नहीं, किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं है। सरकार जो है सरकार से खुश है? हाँ, खुश है। किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं हमारे पापा को, मगर हमको अभी हमारे पास जमीन नाम पे नहीं, इसलिए नहीं आते। लेकिन आपके पास आते? हाँ, आते हैं। अच्छा, आप भी किसान हैं? आप किसान हैं सर। सरकार से खुश हैं? खुश हैं। यहाँ से जो है प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबसे खुश हैं जी। हाँ, जो नेता हैं जो तो खोखला हैं। हम अच्छी बढ़िया देश चल रहा है, खूब शांतिपूर्वक काम चल रहा है, भाव भी अच्छा मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? हम तो दशहरा मैदान से आते हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप? हैं मंडी में आते हैं, तन थोड़ा काम धंधा मिल जाता, कर लेते मांग लेते। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं सरकार? जा कह रहा है हमें कोटी मिलना चाहिए, पीएम आवास जो आवास योजना के तहत जो घर मिलते हैं वो। हाँ, घर में जगह डरी मतलब कोटी मिलने चाहिए चाची के। अच्छा, लाड़ली बहना का लाभ मिलता है? लाड़ली बहना के भी 1200 रुपया आ ही नहीं रहे हैंगे। नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है मैडम साहब। क्यों, वो तो बाकी लोगों के तो आ रहे हैं। नहीं आ रहा है, हमने कागज दिए फिर भी नहीं आ रहा है। मोदी ये कागज दे रहे थे पूरे, फिर भी नहीं आ रहे हैंगे बाइक खिलाना। आप दादा किसान हैं? आप कब से खेती कर रहे हैं? 60-65 साल हो गए। 60-65 साल हो गए। काय की खेती करते हैं? गेहूं, चना, ज्वार। और फिर यहाँ मंडी में आते हैं? हाँ। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको, कुल मिलती हैं? सरकार की तरफ से मुझे पेंशन मिल रही है। हाँ। और का किसान सम्मान निधि है, उससे पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। इस बार फिर आप क्या सोचते हैं, यहाँ गुना में क्या मुद्दे देखते हैं? मुद्दे का देख रहे हैं, सो देख रहे हैं। सरकार से खुश है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं आते हैं। हाँ, तो अब 60 साल आके आ रहे हैं, किसान योजना के नहीं आ रहे। अच्छा। हाँ, यहाँ से, यहाँ गुना के? नहीं, गांव सेमरा के। अच्छा, सिंधिया हैं यहाँ से? तो हैं सिंधिया, जो सिंधिया हैं। हमें कोटी मिलना चाहिए आसों, और 1000 रुपया मिलना चाहिए बारह बार। हाँ, नहीं आ रहे हैं नंबर। देखिए, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप लोग व्यापारी वर्ग हैं पूरे, बताइए। सिंधिया जी, बहुत सारे वोटों से जीतेंगे और मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, जैसे धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, पब्लिक एक तरफा वोट दे रही है। हाँ, बताइए, खुश है? मैं तो सिंधिया जी हार रहे हैं। और क्या? अच्छा, सिंधिया जी पिछली बार भी हारे थे चुनाव यहाँ से? हाँ, सिंधिया जी इसलिए हार रहे हैं कि आदमी क्या राजा महाराजों को पसंद नहीं कर रही पब्लिक। और क्या, ये तो कह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को देख कर है कि जी खुद हार चुके हैं चुनाव, इसलिए। आप भी चुनाव लड़े थे? लड़े थे, चुनाव लड़ा था मैं, 4 वोट से चुनाव आ रहा हूँ। आ रहे थे मैडम, वो 6 वोट ले नहीं पाए, मेरे ही थे 4 वोट, तो मेरे से ही नहीं ले पाए। अच्छा, ये बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये बताइए जी, सिंधिया जी क्यों आ रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं? सिंधिया जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं समीकरण। अगर जिनकी तरफ से सिंधिया जी आ रहे हैं तो मैं 1-2 में शर्त लगाने को तैयार हूँ। सिंधिया जी, आप बताइए। सिंधिया जी जीत रहे हैं, खुश है सिंधिया जी से? पिछली बार क्यों हार गए थे? पिछली बार अलग समीकरण थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए तब किसे बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में आ गए तो जीत। आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार। मतलब व्यापारी वर्ग अगर देखा जाए तो खुश है सिंधिया जी से? पूरा भाजपा से खुश है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश है यूपी में मोदी जी, और भारत में मोदी। मतलब सिंधिया जी से खुश है? सिंधिया जी से भी खुश है, भाजपा से। पिछली बार क्यों हरा दिया था? नहीं, वो कांग्रेस में थे पिछली बार। अब सिंधिया जी ही जीतेंगे, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका राजा महाराजा है, इसलिए वो ही जीतेंगे। तो सिंधिया जी तो पिछली बार हार गए थे? वो उनके उससे हार गए थे, थोड़े कार्यकर्ताओं की वजह से हार गए थे। कार्यकर्ताओं की वजह से?
एक लाख से भी ज्यादा वोटों से हारे थे। अब क्या पता मैडम क्या हो गया था, आपकी ढाई लाख से जीतेंगे। हाँ, ढाई तीन लाख से जीतेंगे। अगर वो सिंधिया जी अगर इस पार्टी में नहीं आते तो ये पूरा भ्रष्टाचार कर देते, लाडली बहना का पूरा पैसा खा जाते जी। जो लाडली बहना को पैसा आ रहा है, जो इनका ही आ रहा है पैसा, अगर सिंधिया जी सरकार नहीं गिराते तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पूरा पैसा खा जाते। अच्छा, पिछली बार देखा है यहाँ से केपी यादव थे, उन्होंने कुछ काम किया? कोई काम नहीं किया केपी यादव ने, कोई काम नहीं किया। तो पिछली बार तो लेकिन सिंधिया को हराया था केपी यादव बीजेपी से। केपी यादव बीजेपी से थे तो सिंधिया जी कांग्रेस से थी, मोदी जी के लिए वोट मिले थे। इस बार मोदी जी और सिंधिया जी। अच्छा, हाँ, जुगल जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है। अब की मोहन यादव जी भी हैं तो सिंधिया जी रहे, लेकिन एक वोट हम जो है मोदी जी को दे रहे हैं, तो वो सिंधिया को ना देके मोदी जी को दे, मोदी जी को दे दिया वोट उस टाइम पे भी। आधी ज्यादा जनता यही कह रही थी कि सिंधिया जी जीत रहे हैं, लेकिन कहीं एक वोट मोदी जी को। अब वो एक एक वोट कर करके नहीं, केपी यादव जी जीत गए तो अब उसमें कोई एक लाख वोटों से, एक लाख से ज्यादा तो यही हर पोलिंग पे यही पोजीशन थी कि लोग बाग तो यही कह रहे थे, बल्कि कांग्रेस वाले भी यही वाली बात बोल रहे थे। और बीजेपी इस बार क्या अलग हो? इस बार अलग ये होगा कि सिंधिया जी जैसा चेहरा मिला है बीजेपी से, तो इस बार मोदी जी और योगी जी और सिंधिया जी बिल्कुल एक सा चेहरा मिला है। आप जाके देखिए, मल्टी बना के फ्री में मकान दिए हैं 2-2 लाख रुपए में जिन गरीबों पे रहने को। मकान मिले मिले उसमें से मैं भी हूँ उसमें। आपको भी मिला है मकान? कोई मिला है उसमें। अच्छा, इसलिए आप खुश हैं? हम तो खुश हैं उससे। मकान ना मिला हो तो भी सभी भाई साहब खुश हैं। 2-2 लाख रुपए शासन काल में कभी नहीं मिली। और इस बार मतलब आप जाकर के नहीं देखिए, पानी की व्यवस्था वहाँ पे, सड़कों की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था इतनी तरीके से बना के दी गई है। 2 लाख रुपए में प्लाट नहीं लिपता, इतने में उन्होंने फ्लैट बना के दी। भाई साहब, आप क्या व्यापारी हैं क्या किसान हैं? मैं किसान हैं। खुश हैं? खुश हैं। पैसे आते हैं? आते हैं। अकाउंट में आते हैं सीधा? ऐसे के अकाउंट में आते हैं। की खेती करते हैं? गेहूं, चना, दाना। फिर यहाँ मंडी में आके? मंडी में रहते, बड़ी भाव मिल रहा है, पेट्रोल ही लग रही है। सिंधिया जी से खुश हैं? तो पिछली बार क्यों हरा दिया? कांग्रेस में थे इसलिए हरा दिया था। इस बार बीजेपी में है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, यहाँ तो एक तरफा जो है बीजेपी की लहर नजर आ रही है। कुछ लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देख रहे हैं और कुछ लोग जो है पीएम मोदी के चेहरे पर भी वोट दे रहे हैं। योजनाओं की भी बात की जाए तो कई लोगों को यहाँ पर योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। फिलहाल 4 जून को देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.